नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर मैं आपको कहूं कि महज 10 रुपए खर्च करके आप अपने घर को भी उजाला कर सकते हैं और इसमें आपकी बिजली की भी बचत होगी, तो शायद आपको एक पल को भरोसा ना हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जी हां, खबर पक्की है और इसका लाभ अब पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम उजाला योजना की शुरुआत पटना के गाँव में हो गई है। इसके तहत 29 जुलाई 2021 से पटना के नौबतपुर, बिहटा और बख्तियार जिले में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पटना जिले के फतुहा, मसौढ़ी, बाढ़ के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत 10 रुपए में ग्रामीणों को एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम 5 एलईडी बल्ब मिलते हैं, जिसमें आप चाहे तो 12 वाट या फिर 7 वाट वाले बल्ब को ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम है। एक परिवार की तरफ से 5 पीले बल्ब को जमा करने के बाद ही उसकी जगह पर 5 एलईडी बल्ब मिलेंगे। अगर आप 100 वाट वाले पीले बल्ब को जमा करवाते हैं तो उसके बदले आपको 12 वाट का एलईडी बल्ब मिलता है। वहीं अगर आप 60 वाट का पीला बल्ब जमा करवाते हैं तो उसके बदले आपको 7 वाट का बल्ब मिलेगा। इस तरह से एक परिवार इस प्रक्रिया से अधिकतम 5 एलईडी बल्ब ले सकते हैं। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में बिजली मीटर लगा होगा, उन्हीं को यह लाभ मिल सकेगा। पुराने बल्ब को कलेक्ट करने और नए बल्ब को देने का काम इस योजना के लिए नियुक्त हुए कर्मचारी करेंगे। इस तरह वे आपके घर पहुंचकर आपसे 5 पुराने बल्ब और 10-10 रुपए लेकर बदले में आपको 5 नए एलईडी बल्ब दे देंगे। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों के बाद यह योजना अब पटना में शुरू हुई है। इसके लिए पटना में कई जगह कैंप लगाकर वितरण किया जाएगा। इन बल्बों की वारंटी 3 सालों की होगी। इस दौरान खराब होने पर आप उसे बदल भी सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र की इस योजना का क्रियान्वयन बिजली मंत्रालय की संयुक्त उपक्रम कंपनी EESL के द्वारा किया जा रहा है। सरकार इसके तहत बिजली की खपत को कम करना चाहती है। इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। खासकर यह तो हमारे आंखों देखा हाल है कि पीले रोशनी वाले बल्ब ज्यादा मात्रा में बिजली की खपत भी करते हैं और उसकी रोशनी भी आंखों को लगती है। गांव के इलाके में पीले बल्ब के अधिक इस्तेमाल करते देखे गए हैं। ऐसे में अगर आप भी पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो इस योजना का लाभ जरूर लें। इससे आप खुद को और पर्यावरण दोनों को ही फायदा पहुंचा पाएंगे। हालांकि आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने 2015 में ही इस योजना की शुरुआत की थी। बिहार में इसके पहले चरण की शुरुआत मार्च 2021 में भोजपुर जिले के आरा में की गई थी। इसके बाद राज्य के बक्सर, भभुआ, सासाराम, बांका जिले में ग्राम उजाला योजना को शुरू किया गया था, जिसके बाद अब पटना जिले में भी इसका शुभारंभ हो चुका है। इसके तहत 10 लाख बल्ब वितरित करने का लक्ष्य प्राथमिक तौर पर पटना जिले में रखा गया है, जो कि आगे बढ़ भी सकता है। यहां आपको बताते चले कि इसके साथ ही भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, गया आदि जिलों में भी पहले चरण में बल्ब का वितरण किया जाएगा। ऐसे में आप भी अगर पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो अपने पुराने पीले बल्ब को तैयार रखें और 10 रुपए देकर उसके बदले एलईडी बल्ब लेकर अपने घरों को रोशन करें, साथ ही बिजली की भी बचत करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।